प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक जगदलपुर के कांग्रेस भवन में संपन्न हुई। लगभग 44 मिनट तक चले इस बैठक में चित्रकूट उपचुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। इसमें बस्तर सांसद दीपक बैज की धर्मपत्नी पूनम बैज का नाम भी शामिल है। बैठक की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि इस बैठक में बूथ सेक्टर प्रभारियों के साथ ही प्रदेश के मंत्रीगण और छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मीटिंग में प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा की गई। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव को लेकर 13 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। राहुल गांधी पार्टी में पैराशूट उम्मीदवार का विरोध करती आई है, लेकिन अगर वह प्रत्याशी भी जीतने योग्य होगा तो उसे टिकट देने के बाद से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें प्रारंभिक बैठक थी, अभी तक संगठन और अन्य माध्यम से जो जानकारी आई थी उसकी समीक्षा की गई। जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस ने विधिवत अभी बैठक के संदर्भ में की नहीं है, तो उनको भी कहा गया है कि आप भी विधिवत बैठकें अपनी ले लीजिए। 13 लोगों के नाम मेरे ख्याल से संभावित नामों में है, तो 13 नामों की अभी समीक्षा करके फिर आगे बात हो।